गुमला में दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पुलिस इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसे आए दिन जघन्य आपराधिक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। देखा जाए तो दुष्कर्म की घटना कोई नई नहीं है। बता दें कि पहले फेसबुक पर दोस्ती की, जिसके बाद युवक द्वारा अपने घर बुलाकर युवती से लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती के विरोध करने के बाद युवक द्वारा शादी करने की बात कही गई और शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। ये तस्वीर बसिया प्रखंड के सुकरडा गांव से मिली है, जहां पीड़िता न्याय पाने की ललक में दर दर भटक रही है। पीड़िता ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ताजा मामला बसिया प्रखंड के सुकरडा गांव का है। जितेंद्र बड़ाइक नामक युवक उसे फेसबुक से दोस्ती करने के बाद युवक जबरन दुष्कर्म किया करता था। इसी बीच युवती ने युवक से शादी करने की बात कही तो युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इधर पीड़ित युवती ने बसिया थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है, लेकिन बसिया थाना की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस भी अब युवती को केस वापस लेने की बात कह रही थी, जिसके बाद युवती ने जिले के एसपी हरदीप पी जनार्दन को लिखित आवेदन दिया है। युवती ने एसपी से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पीड़ित को भी युवक के द्वारा जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे पूरे परिवार में डर का माहौल है। वहीं अज्ञात लोगों के द्वारा रात में युवती के घर के छप्पर पर पत्थर भी फेंका जाता है, लेकिन पीड़िता के द्वारा न्याय की गुहार लगाने के बाद भी मदद नहीं मिल रही है। वहीं पीड़िता की बात किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी है। अब पुलिस पर भरोसा उठने लगा है। युवती ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा की माने तो युवती के साथ गलत किया है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अगर केस वापस करने का दबाव डाल रही है तो पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। मेरी दोस्ती जितेंद्र बड़ाइक से फेसबुक के माध्यम से हुई थी। हम दोनों उसके बाद उठा फुसला के हमको अपना रूम बुलाया और वहाँ पर जाकर वो जो दरवाजा बंद करके जोर जबरदस्ती से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद वो बार बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में मैं शादी करने के लिए उसे दबाव बनाई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना मैं बसिया थाना में दी थी, लेकिन बसिया थाना वालों ने मेरा ही मजाक उड़ाया। उन्होंने जितेंद्र बड़ाइक का साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं जितेंद्र बड़ाइक का साथ, क्योंकि जितेंद्र बड़ाइक पैसा पहुंच और उसका बाप दबंग इंसान है, इसीलिए थाना वाला मेरा कोई नहीं सुनता है। वो लोग मेरा मजाक बना के रख दिया है थाना वाले। अब हम चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। और एक बात है, मेरे घर थाना से आधा किलोमीटर दूर में है। मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, हम लोग महिलाएं केवल हैं। मेरे घर पे कुछ दिनों से अजनबी लोगों का आना होता है। रात को दरवाजा ठोकते हैं और ईटा पत्थर मारते हैं अल्बेस्टर में। तो ये सब कौन करवा रहा है, क्योंकि मेरा घर तो थाना के बगल में ही है। लगता बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले मेरा घर में कोई हरकत कभी नहीं हुआ। हम लोग पहले भी शुरुआत से इस घर में लेडीजे केवल रहते हैं। थाना से रिलेटेड है, जिसका थाना कांड संख्या 9/2021 है। ये पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती किया, फिर किसी तरह से ठग फुसला के अपने कमरा में बुलाया और फिर कमरा बंद करके इसके साथ जोर जबरदस्ती कर संबंध बनाया। बाद में शादी का झांसा दे करके और भी लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। और आखिरकार जब संबंध शादी के लिए जब पीड़िता जोर जवाब देने लगी, शादी से इनकार कर दिया, तब ये मामला दर्ज कराया गया। लेकिन जो इनका पीड़िता का शिकायत है कि स्थानीय पुलिस जो है आरोपी को मदद कर रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब ये प्रयास कर रही है, दौड़ धूप कर रही है न्याय पाने के लिए, तो अभी घर तक आरोपी आदमी भेज करके डरा धमका रहा है। महिला है घर में, सिर्फ अकेली माँ है, इसको डर बना हुआ है, कोई भी गंभीर खतरा हो सकता है। आरोपी अभी भी स्वतंत्र है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या नाम है सर? शर्मा जी।